तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाला है कि Redmi 9 Power डिवाइस में Android 11 विद MIUI 12.5 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, एंड गाइस ये अपडेट में आपको कौन कौन सा न्यू फीचर्स देखने के लिए मिलने वाला है, एंड गाइस ये अपडेट सबसे पहले किन यूजर्स को देखने के लिए मिलेगा, एंड गाइस ये अपडेट का आपको फाइल साइज कितना देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस अगर आप भी है Redmi 9 Power डिवाइस के यूजर्स, तो गाइस आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज मे बी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस Redmi 9 Power डिवाइस में Android 11 विद MIUI 12.5 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, ये तो खैर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। गाइस इससे पहले हम बात करते हैं कि MIUI 12.5 के अपडेट में आपको कौन-कौन सा न्यू फीचर्स देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस यहां पे जो न्यू चेंजेस देखने के लिए मिलेगा वो गाइस आपको यहां पे सिस्टम एंड मोड्स में बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलने वाला है। गाइस यहां पे सिस्टम में जो आपको चेंजेस देखने के लिए मिलने वाला है वो गाइस आपको नोटिफिकेशन पैनल में देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद गाइस आपको यहां पे वॉल्यूम में देखने के लिए मिलेगा। गाइस यहां पे सिस्टम में और भी बहुत सारा चेंजेस है जो कि आपको MIUI 12.5 के अपडेट में देखने के लिए मिलने वाला है। अगर बात करें गाइस यहां पे नोट्स के बारे में, तो गाइस यहां पे नोट्स में भी बहुत सारा चेंजेस देखने के लिए मिलने वाला है MIUI 12.5 के अपडेट में। यानी कि गाइस Redmi 9 Power डिवाइस में जो MIUI 12.5 का अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है, तो गाइस इसमें MIUI 12.5 का सारा फीचर्स देखने के लिए मिलने वाला है। अगर बात करें गाइस यहां पे Android 11 अपडेट के फीचर्स के बारे में, तो गाइस यहां पे Android 11 का जो अपडेट देखने के लिए मिलेगा, तो गाइस इसमें भी Android 11 का सारा फीचर्स देखने के लिए मिलने वाला है। अगर बात करें गाइस इस अपडेट के फाइल साइज के बारे में, तो गाइस ये अपडेट का फाइल साइज आपको अप्रॉक्स 2GB प्लस में ही देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि गाइस यहां पे Android 11 विद MIUI 12.5 यानी कि आपको दो अपडेट एक ही साथ देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस इसी वजह से यहां पे फाइल साइज थोड़ा सा लंबा देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करें गाइस कि Redmi 9 Power डिवाइस में Android 11 विद MIUI 12.5 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो गाइस यहां पे आपको हो सकता है कि गाइस मिड सितंबर तक ये अपडेट देखने के लिए मिल सकता है, मे बी गाइस। लेकिन गाइस ये जो अपडेट देखने के लिए मिलेगा वो गाइस यहां पे सबसे पहले पायलट यूजर्स को देखने के लिए मिलेगा, उसके अप्रॉक्स 1 वीक बाद सभी यूजर्स के लिए अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट होगा। लेकिन गाइस उसमें से भी अपडेट कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलेगा, और गाइस यहां पे आप लोगों को मालूम होगा कि अपडेट जो देखने के लिए मिलता है वो गाइस अप्रॉक्स 1 आवर के लिए ही देखने के लिए मिलता है। तो गाइस यहां पे जो यूजर्स एक्टिव रहते हैं सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके अपडेट को चेक करते रहते हैं, एंड गाइस उन्हें अपडेट देखने के लिए मिल जाता है, तो गाइस वो अपने डिवाइस को अपडेट कर लेते हैं। तो गाइस अगर आप भी Redmi 9 Power डिवाइस के यूजर्स, तो गाइस आप यहां पे थोड़ा सा एक्टिव रहना, सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके अपडेट को चेक करते रहना। खैर गाइस Redmi 9 Power डिवाइस में Android 11 विद MIUI 12.5 का अपडेट जब भी देखने के लिए मिलेगा, तो गाइस आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। तो गाइस फिलहाल में अभी के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हां इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।